आज हम लाए हैं राजस्थान की प्रसिद्ध पित्तौड़ की सब्जी विद द लवली मॉम है निशा समर आंटी के हम आए हैं। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। पित्तौड़ की सब्जी राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध सब्जी आंटी राइट, और बहुत शौक से भी खाई जाती है। और आज बहुत ही आसान तरीके से आपको वो दिखाएंगे कि आप घर में इसको कैसे बना सकते हैं। सो स्टार्ट करें, रेसिपी बताइए। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में दही लिया है। पित्तौड़ बनाने के लिए दही की बहुत जरूरत है। हाँ, तो कितनी क्वांटिटी दही ले आए हैं? करीब एक कटोरी दही। अच्छा, एक कटोरी दही के अंदर। और ये फेटा हुआ दही है या फेटा हुआ? नहीं, फेटा हुआ दही है। दही कभी भी फेटा हुआ लेना चाहिए ताकि उसमें लम्स नहीं गिरते हैं और दही फटता नहीं है। अच्छा, अब मैं इसमें बेसन मिला रही हूँ। इसको मेरे को थोड़ा थिक घोल बनाना है, तो अकॉर्डिंग आप अंदाज से ले सकते हैं कि कितना लगेगा इसके अंदर। तो ये देखिए मैं इसको मिला रही हूँ। तो गैस को सीम में रखना है। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल लम्स नहीं है इसके अंदर। ये ऐसे घोल लेंगे। थोड़ा ये गाढ़ा है अभी, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। इसको बंद गैस में करना है पहले, तो चालू गैस में नहीं करना है। पहले इसको घोल बनाने के बाद फिर गैस चालू ऑन करना है। अच्छा, तो ये हमने अभी गैस बंद, हाँ जी गैस बंद ही है। गैस बंद में ही हमें वो करना है। अब इसमें सारे मसाले डाल रही हूँ। तो अब हमें गैस ऑन करनी है। मसाले डालते हैं, पहले मसाले डाल देती हूँ, गैस को ऑन करेंगे। इसमें भी सारे सिंपल मसाले ही हैं। तो कौन कौन से डाले हमने? हल्दी, मिर्ची, नमक और इसमें थोड़ा सा जीरा। अच्छा, जीरे को हम थोड़ा सा हाथ से क्रश कर लेंगे ताकि उसका फ्लेवर आ जाएगा। अब हम गैस को ऑन करेंगे। और कौन सी गैस पे हमें रखनी है? एक बार तो उबाल आने तक तो स्लो पे करना है। फिर उबाल आने के बाद स्लो पे करो, मतलब ज्यादा तेज करने की जरूरत नहीं है। ये धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा और इतना ठीक हो जाएगा कि जमने लायक हो जाएगा। तो इसको चलाते रहना है। हाँ, बिल्कुल चलाते रहना है ताकि इसमें बिल्कुल लम्स नहीं गिरे और एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप है कि इसको आपको लगातार चलाते रहना है ताकि कोई भी लम्स नहीं आए। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हम जो जायका का तड़का पे अभी सीरीज चल रही है, जहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि आज कौन सी ग्रेवी की, दही वाली ग्रेवी की सब्जी आप बनाएं, वही आंटी हमें उस सीरीज में दिखा रही है। और पित्तौड़ की सब्जी हम आपके लिए लेके आए हैं। ये जो सब सब्जियां हैं, बेसिकली इसमें कोई ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, घर के मसाले ही काम आता है। दही तो आपको पता है हर घर में एनी टाइम मिल जाएगा आपको। बस ये ध्यान रखना है कि दही खट्टा होना चाहिए, चाहे वो अपने बघार के लिए यूज करें, छौंके के लिए यूज करें, या आपका पित्तौड़ बनाने के लिए यूज करें। अगर दही अगर खट्टा नहीं होगा तो वो टेस्ट नहीं आएगा सब्जी में। देखिए यहाँ पे गाढ़ा भी हो चुका है। अब इसमें देखना कैसे पका या नहीं पका, तो इसको आप हाथ लगा लीजिए। अगर ये चिपक रहा है आपके हाथ में, इसका मतलब पका नहीं है। अच्छा, और जैसे ही ये पक जाएगा ये आपके हाथ में चिपकेगा नहीं। ओके, जैसे ही बेसन पक जाएगा ये हाथ में चिपकेगा नहीं। अगर आपको लगे थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं इसके अंदर। कंसिस्टेंसी मैं आपको एंड में बता दूंगी कैसी चाहिए। ये देखिए इसमें एक भी लम्स नहीं है, कितना स्मूथ बन गया एकदम से। और कितना टाइम लगता है आंटी इसको सिकने में? बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो तो जल्दी बन जाता है, कम क्वांटिटी थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, कम क्वांटिटी में सीजिंग में टाइम लगता है। हाँ, ज्यादा क्वांटिटी में उसमें स्टीम होती तो स्टीम से भी कई बार बेसन सिक जाता है। अच्छा, तो कोई भी चीज ज्यादा क्वांटिटी हो तो जल्दी बनती है, जितनी आप कम क्वांटिटी बनाओ थोड़ा टाइम लगता है। और इसको उल्टे चम्मच से हिलाना है, बिल्कुल ये ध्यान रखें इसको उल्टे चम्मच से हिलाना है। देखिए बन चुका है। अब हम वो टेस्ट भी करेंगे आंटी जो आप बोल रहे थे। देखिए चिपकेगा नहीं, देखो अब ये कम चिपक रहा है पहले से। तो 2 मिनट और रख देंगे हम इसको। 2 मिनट हम और होने देंगे, फिर वो चिपकना बंद हो जाएगा। चिपक नहीं रहा है इसके अंदर। ये बहुत कम क्वांटिटी में हाथ में आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया करीब करीब। क्योंकि ये तो बेसन है, थोड़ा तो चिपकेगा ही पर पूरा हाथ में नहीं आना चाहिए। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे थाली, ये हमने तेल से ग्रीस कर रखी है। तेल से ग्रीस कर रखी है, इसमें भी पूरा डाल देंगे इसे। और थोड़ा हम इसे बचा के रखेंगे ताकि हम करी के लिए यूज कर सके। अब इसको स्प्रेड कर देंगे। थोड़ा इसको मोटा ही रखें, एकदम पतला नहीं रखें। ये देखिए, अब इस कढ़ाई में थोड़ा पानी डालूंगी ताकि ये करी में काम आ सके। अच्छा, तो जब तक वो ठंडा होगा तब तक हम इसकी करी बनाएंगे। बिल्कुल, मसाला बना लेते हैं।
ये भी सब्जी आपको घी में ही बनानी है, तेल में इसका टेस्ट नहीं आएगा उतना। जैसा कि आंटी ने पहले भी वो हमेशा यही बोलते हैं कि जो भी हमारे दही की सब्जियां हैं उसको घी में ही हमें बनाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हमने घी रख दिया अभी, इसमें भी दही का छौंक लगाना है, तो फेटा हुआ दही हमने लिया है। अगर दही ज्यादा खट्टा ना हो तो ज्यादा लें, और खट्टा हो तो कम लें। ये देखिए मैंने इतना कम से कम 4 या 5 टीस्पून दही लिया है, इसमें मैं सारा मसाला मिक्स करूंगी। बिल्कुल सादा मसाला है। नमक डाला है हमने यहाँ पे, ये है नमक, ये है लाल मिर्च, ये है हल्दी, बस ये तीन चीजें चाहिए। इसको मिक्स करके अभी इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ही गैस गर्म होता है और हम राई जीरा और इसमें हींग का डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसन की सब्जी है। कई लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए हींग डालने से गैस बिल्कुल नहीं होती पेट में, और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। ये हमारा घी गर्म हो चुका है, ये मैंने हींग डाली है, हींग पिंच ऑफ एसाफोएटिडा हमने डाला है, आधी टीस्पून राई, मस्टर्ड सीड्स, ये है हमारा जीरा, क्यूमिन सीड्स। अब जैसे ही ये तड़क जाता है इसको हम बंद कर देते हैं। अच्छा, बंद कर देंगे? हाँ, ताकि दही ना फटे इसमें। अच्छा, तो अब मैंने ये इसको चलाते रहना है, इसको चलाते रहना है। पर ये अगर गरम गैस ऑन ना कर डालोगे तो कई बार दही फटने के चांसेस रहते हैं, तो उसको दही बिल्कुल बंद कर देना, गैस बिल्कुल बंद कर देना। और अब हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, कितने कम घी में भी ये तरी आ गई है, और इसमें पहले पानी नहीं डाले, डायरेक्ट घी में अगर जब हम दही डालते हैं तो उसका रंग बहुत अच्छा आता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप है कि गैस बंद करके हमने फेटा हुआ दही और मसाले मिक्स करके और फिर हमने डाला था, और फिर अब हमने गैस ऑन करी है और इसमें पानी नहीं डाला है हमने दही में, सिर्फ फेटा हुआ दही है हमारा। और इसमें हींग बहुत जरूरी है कि हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, एज वेल एज पेट भी आपका पेट भी अच्छा रहेगा। तो जब तक ये बन रहा है आंटी, और आई थिंक वहां पे ठंडा हो गया है तो हम उसको भी कट करेंगे, तब तक आपका गाना भी हो जाए। अब गाने के बिना आपका वीडियो बिल्कुल अधूरा है, तो गाने तो होने ही चाहिए, राइट? हमारा जब तक ग्रेवी हमारी यहाँ बन रही है, तो आंटी आंटी इज अ वेरी वेरी गुड सिंगर, तो आप अभी आप खुद जानेंगे कि जब वो गाएंगे तो मजा आ जाता है खाना बनाने में। खाना बनाना इजी भी हो जाता है जब हम गाना गाते हैं ना। हाँ, तो आपको पता नहीं चलता टाइम कहाँ स्पेंड हो रहा है। हाँ, पर आंटी आपकी जैसी वॉइस भी होनी चाहिए। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया, ये आंटी वाह, कितना प्यारा, एकदम मजा आ गया। ध्यान भी नहीं था रेसिपी में, मेरा तो गाने में ध्यान था। सी देखिए यहाँ पे जो हमारा कढ़ाई में जिसमें हमने पितौड़ बनाया था उसमें आंटी ने पानी डाला था, वो आंटी ने अब कर लिया है, निकाल लिया है कढ़ाई से, और दही भी हो गया। देखिए रंग कितना बढ़िया आता है। हाँ, मुझे ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि दही को आप अच्छा पकाएं, उसके बाद इसमें पानी का ऐड कीजिए, तो आपकी तरी कहीं नहीं जाएगी। भले आप 10 लोगों को भी खाना परोस दोगे ना, तरी ऐसी कैसी ऊपर रहेगी आपकी। बहुत अच्छी टिप है आंटी, एकदम शानदार कलर आया है। तो अब इसका घी के अंदर ही दही डालना है, घी के अंदर पानी मत डालना, डायरेक्ट दही का छौंक लगाना, लेकिन गैस बंद करके, बस ये आप जरूर ध्यान रखें। हाँ, बहुत अच्छी टिप है। अगर आपको ये टिप अच्छी लगी तो लाइक हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस रेसिपी को लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में, गारंटी आपकी रेसिपी भी इन टिप्स के संग वैसी ही बनेगी जैसे यहाँ पे बन रही है।
और सबसे बड़ी बात वेस्टेज कुछ नहीं है। हाँ, आप सब चीज यूज कर सकते हैं इसके अच्छे। और सबसे अच्छी बात है आंटी, अगर वेजिटेबल्स नहीं है तो दही और बेसन तो होता ही है, तो आप फटाफट बना सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि दही हमेशा घर में रहता है हमारे। ये देखिए, ये अब गैस हमने फास्ट कर दिया और हमारा पित्तौड़ भी यहाँ पे ठंडा हो चुका है। हम इसको कट कर रहे हैं। शेप स्क्वायर रखोगे तो ज्यादा बढ़िया है, आप तिकोना बनाओगे तो शायद कोने टूट जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है। So, वहां पे भी एक उबाल आ चुका है हमारे पानी में। बस अब जब आपको सर्व करना है, ये पतोड़ा अलग से रखिए, जैसे आपको सर्व करना है इसको उबाल आने दीजिए और ये पतोड़े इसमें डाल दीजिए। ये देखिए, देखिए कितनी फटाफट आंटी ने देखिए आपको ये रेसिपी दिखा दी है। बहुत आसान है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है गर्मा गर्म चपाती के संग। तो आज पित्तौड़ की सब्जी बनाइए अपने घर में और हमें भी बताइए कि आपको कैसी लगी। ये देखिए, ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। अच्छा, तो आंटी पित्तौड़ अलग से सर्व करेंगे, उसमें नहीं डालेंगे कढ़ाई में? इसमें ही डालूंगे, लेकिन आपको उसको उबालने की जरूरत नहीं है। जब अच्छा सर्व कर रहे हैं तो करी को गर्म कर दीजिए और पित्तौड़ डाल दीजिए इसके अंदर। आप देखिए, अब उबाल भी आ गया है और ये पित्तौड़ यहाँ पे हमने निकाल लिए हैं। अब देखिए, हम इस पित्तौड़ को, ये इसमें करी में उबाल आ गया है तो इसमें मैं एक एक करके पित्तौड़ छोड़ूंगी। ये थोड़े से मोटे होने चाहिए ताकि ये गले नहीं सब्जी में जाके। सही कहा हमने, ऐसे इजीली गलते नहीं है, फिर भी अगर थोड़ा मोटा होता टेस्ट भी अच्छा आता है, आपको ग्रिप भी आती पकड़ने में और टेस्ट भी अच्छा आता है इसका। सो फटाफट देखिए हमारे पित्तौड़ की सब्जी बन चुकी है, राजस्थान की बहुत ही फेमस सब्जी। झटपट आप बना सकते हैं, दही बेसन इसके संग और कोई सब्जी की जरूरत ही नहीं होती, इसको ही आप अकेले चपाती के संग खा सकते हैं गर्मा गर्म। ये देखिए, एंड अब हम सर्व करेंगे यहाँ पे। उबाल आ गया है और अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे आंटी, और अब हम सर्व करेंगे। सो रेडी हो चुकी है हमारी पित्तौड़ की सब्जी यहाँ पे। अब हम इसको धनिया से गार्निश करेंगे। सो इसको गर्मा गर्म बनाइए और आप खा सकते हैं। थैंक यू सो मच निशा आंटी फॉर द वंडरफुल रेसिपी वंस अगेन विथ योर लवली सॉन्ग। बन चुकी है, आप इसको बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में। मिलेंगे दोबारा विद अनदर वंडरफुल रेसिपी। बाय बाय एवरीवन। एक बात और बता दूं कि अगर इसको ठंडी रोटी के साथ खाया जाए तो और मजा आएगा, क्योंकि ये सब्जी गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। तो देखिए ये टिप के संग आप इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। बाय बाय एवरीवन।